नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह, वास्तु एवं ज्योतिष सलाहकार। कल हमने बात की थी कि अंक दो, उससे पहले हमने एक अंक एक की बात की, आज हम अंक तीन की बात करेंगे। अंक तीन मतलब सिर्फ अंक तीन, उसमें 12, 21, 30 नहीं होगा, और सिर्फ अंक तीन की बात की जाएगी। उसके साथ दूसरे अंक क्या कहते हैं उनके विषय में बिल्कुल नहीं बोला जाएगा। आप सब देखिए, सब वीडियोस देखते होंगे, यूट्यूब पे भी वीडियोस देखते होंगे, अंक ज्योतिष के दूसरे भी वीडियोस देखते होंगे। तो जैसा कि कहा जाता है अंक तीन के बारे में, तो मैंने शायद एक अंक वाले में कहा था कि राजा को बहुत कुछ देना पड़ता है, तो वही परिस्थिति यहाँ पे भी पैदा होती है। देखिए, वैसे हर अंक पे पैदा होती है, लेकिन ये दो व्यक्ति ऐसे हैं, एक तो राजा जिसे अपनी प्रजा को बहुत कुछ देना पड़ता है, एक गुरु जो अपने शिष्यों को बहुत कुछ देता है, क्योंकि अंक तीन को गुरु का अंक माना गया है। हाँ, आप ऐसे भी ले सकते हैं, देखिए गुरु बनने के लिए उसमें और भी अंकों की आवश्यकता होती है कि गुरु अच्छा है या नहीं है, कैसा गुरु है, क्योंकि आजकल आप जानते हैं, आप देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे न्यूज़ की, भाई फलां व्यक्ति ने ऐसा, नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं जो गुरु की उपाधियाँ हैं जिन्हें, लेकिन कई बहुत अच्छे भी हैं, तो उस पर और अंकों का भी तो विश्लेषण होगा ना। क्या सिर्फ एक अंक तीन ही ऐसा कर देगा, तो फिर दूसरे जो बाकी अंक के अंक हैं वो कहाँ इस्तेमाल होंगे, या उनके मूलांग, भाग्यांग, मासांग, चलितांग कहाँ इस्तेमाल होंगे। तो उन्हीं से ही मतलब वो विशेषताओं को घटा या बढ़ा देते हैं। तो यहाँ हम आज मैं आपके सामने जो उपस्थित हूँ वो अंक तीन को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो अंक तीन है क्या। देखिए, ऐसे लोग नॉलेजेबल बहुत होंगे, कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। जैसा मैंने अंक दो में कहा था कि प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, और ये जो अंक तीन वाले होते हैं ना, ये वेल प्लान्ड तरीके से हर काम करते हैं। वेल प्लान्ड मतलब एक क्लासिक टच लिए हुए होता है इनका काम, ऐसे नहीं होगा, मतलब दूसरों से अलग। आपने आखिर शिव खेड़ा का एक कोटेशन सुना हो कि भाई जीतने वाला कौन, मतलब क्या चीज़ करता है, जीतने वाला कोई अलग चीज़ नहीं करता, लेकिन वो हर काम को अलग ढंग से करता है, सिर्फ ये फ़र्क है। तो यही इनकी खासियत होती है, आकर्षण शक्ति इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, कल्पना मतलब उत्तम कल्पना शक्ति के स्वामी होते हैं ये लोग, और आप देखें दूरदर्शिता के स्वामी होते हैं, सामाजिक होते हैं, मिलनसार होते हैं। आप आखिर इसको देखें, अंक तीन की हम जब बात करते हैं तो आप आखिर थोड़ा सा जैसे पहचानना हो अंक तीन वाला, देखिए कोई 6, 6.5 फिट का आदमी तो अंक तीन वाला हो ऐसा संभव, सिर्फ अंक तीन का हो। देखिए दूसरे अंक आएंगे तो वो लंबाई चौड़ाई बढ़ घट बढ़ सकती है, लेकिन ये मध्यम मजले, मध्यम कदकाठी, लेकिन चेहरा गोल है ना, और सुंदर चेहरा होता है, रंग साफ होता है, गेहूँ रंग नहीं होता, थोड़ा साफ रंग लिए हुए होते हैं, आखिर दूसरे अंकों इसके विपरीत अंक ना हो तो, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा विश्लेषण का वो आ जाता है। फिर हम बात करते हैं इनसे बातचीत करने का तरीका बहुत अलग होता है, अच्छे कुशल वक्ता होते हैं ये। देखिए अंक तीन वाले कुशल वक्ता होते हैं, ये विस्तार का है, फैलाव का है, तो थोड़ा सा वजन लिए हुए भी होते हैं। अब कोई शायद हो सकता है इसके ऊपर टिप्पणी कर दे कि मेरा तो नहीं है। देखिए, अब आखिर कोई यंग एज में होगा, 20-22 साल का बच्चा है या 15 साल का बच्चा है, तो पेट बड़ा हुआ हो तो ऐसा देखिए संभव नहीं होता। मोस्टली ऐसे कब ये चीज़ें कब होती है, या तो हम एक एज कर लें या 30 के बाद, जैसे हमारा विवाह उपरांत जो चीज़ें होती हैं उसके बाद में हल्का हल्का पेट, और कोई फिटनेस फ्रीक है तो उसका नहीं निकलेगा, लेकिन ये एक विस्तार का कारक होता है, फैलाव का, विस्तार का। कल्पनाशील होते हैं, है ना, काफ़ी लोगों का मनोरंजन करते हैं, और अपनी स्वयं की जाति, मतलब स्वयं जाति और वी जाति है बाहर, इनका बहुत नेम एंड फेम होता है। इस मामले में ये बहुत मतलब हर जगह ढलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब काम भी बहुत अधिक करते हैं, और एक काम नहीं, एक से अधिक काम। अब वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, एक से अधिक काम वहाँ क्या, फिर ये अपनी सेहत को नुकसान पहुँचा लेते हैं, क्योंकि क्या है, आपकी ऊर्जा बट जाती है, बट और वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक तो होता है दो काम में बढ़ जाना, एक होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, तो उस वजह से फिर ये अपने शरीर की शक्ति को बर्बाद करते हैं, और वहाँ फिर सफलता की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या चाहिए, एक या दो विषय, तीन विषय अधिकतम, उसके अंदर मतलब काम करें, विशेषज्ञ बने और फिर उसमें काम करें। अब ऐसे व्यक्तियों को क्या काम करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति लेखक, समाचार पत्र के रिपोर्टर, या जो रिपोर्टर्स होते हैं, टीवी एंकर जो होते हैं, वो काम ये कर सकते हैं, विज्ञापन दाता। ऐसे तो होटल इंडस्ट्री, देखिए दूसरे अंकों के साथ ये भी चीज़ें आती है, संगीत लिखने वाले हो सकते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, वो एक अलग से विस्तार का मतलब विश्लेषण का विषय है। तो ये आज हमने बात की अंक तीन की,
आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपके फीडबैक्स का इंतज़ार करता हूँ। हाँ, एक चीज़ मैं जो दो चीज़ें और मैं आपको बताना चाह रहा था, एक तो इनके लिए शुभ दिन आप नोट डाउन कर लीजिए, एक तो रविवार, सोमवार, गुरुवार और मंगलवार, और शुभ रंग पीला रंग, तो उसका हमेशा इस्तेमाल करें। और आपसे वापस से करबद्ध निवेदन है मेरा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों को बताइए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जो अगला वीडियो है वो जब भी मैं बनाऊँ, जब भी मतलब कल ही बनाऊँगा, साथ के साथ बनाता जा रहा हूँ मैं, तो जब भी मैं बनाऊँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नमस्कार।